a very quick revision. What is a plus b whole square? A plus b into a plus b. First of all, this will give a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. A plus b, a minus b. A square minus b square. अलग अलग साइंस के दो ब्रैकेट हैं तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, अलग अलग स्क्वायर्स देंगे. व्हाट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर? ए माइनस बी होल स्क्वायर मींस ए माइनस बी इनटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. नेक्स्ट थिंग, हम एच सी एफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं. जैसे 12 एंड 18 का हमें मान लो एच सी एफ निकालना है. 2 into 2 into 3, 18 का. Now, I can write this as 2 twice in. So, I can write this as 2 square into 3, 1. 2 into 3 square. HCF के लिए हम हमेशा lower power लेते हैं. 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 ले लेंगे. 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 ले लेंगे. सो HCF इज 6. HCF के लिए हमेशा लोअर पावर लेते हैं. नाउ से 12 और 15 का LCM निकालना है. 2 स्क्वायर इंटू 3, 15. 3 इंटू 5. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिख दो. यहाँ पे 5 है, 5 नहीं है, 5 की पावर 0 लिख दो. अगर HCF निकालना होता तो लोएस्ट पावर्स लेते. तो 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 3 की पावर दोनों जगह 1 है. तो 5 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 0 इज 1, 3 हो जाता. LCM लेना होता हाईएस्ट पावर्स लीजिए. 2 की पावर 2, 3. 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 लेते हैं. हम HCF कब लेते हैं और LCM कब लेते हैं? HCF हम तब लेते हैं जब हमें जो नंबर है वो या तो स्मॉल चाहिए होता है या इक्वल चाहिए होता है. मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ फाइंड द रॉड विच इज नीडेड टू मेजर 3 क्लॉथ्स, रॉड हमेशा क्लॉथ से छोटी होती है, HCF निकालेंगे. LCM हम तब निकालते हैं जब हमें ग्रेटर नंबर चाहिए होता है. दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? जब हम से HCF निकालते हैं हमें जब छोटा नंबर चाहिए होता है. अब मैं अगर तुमसे बोलूं फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय मतलब ये 246 तीनों से डिविजिबल है, मतलब 246 के टेबल में आता है, तो 246 से बड़ा होगा ये. LCM निकालेंगे. फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स 246. जो 246 को डिवाइड करे, जो नंबर इनको डिवाइड करेगा, 2 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो 2 से छोटा होगा. HCF निकालेंगे. HCF निकालने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और LCM निकालने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. HCF में अगर वो कह रहा है जैसे फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स 420 लीविंग रिमाइंडर 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. अब वो कह रहा है विच डिवाइड्स, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स 400 and 220. जो इसको डिवाइड कर रहा है तो इनसे छोटा होगा HCF. अब रिमाइंडर की भी बात कर रहा है, HCF के केस में पहले ही माइनस कर लीजिए. 400 माइनस 2 398, 20 माइनस 1 19 और फिर HCF निकालिए. LCM के केस में मैं आपसे पूछूं फाइंड द नंबर विच
व्हेन डिवाइडेड बाय टू एंड थ्री, जब टू और थ्री से डिवाइड होगा नंबर, मतलब टू और थ्री से बड़ा होगा, लीव्स रिमेंडर से वन। तो एलसीएम के केस में हमें पता है कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय है, विच इज डिविजिबल है, तो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम के केस में पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए टू और थ्री का, उसके बाद जो वो कह रहा है, वो कह रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब बची हुई चीज, तो उसको उल्टा कर दो। रिमाइंडर मतलब बची हुई चीज, रिमाइंडर मतलब माइनस होता है, तो आप प्लस कर दीजिए। जो आपने एलसीएम निकाला उसमें आप प्लस कर दीजिए वन। वो कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय टू एंड थ्री, एंड इंक्रीज्ड बाय सिक्स। अगर वो कहता है इंक्रीज्ड बाय सिक्स मान लो, तो एलसीएम निकालने के बाद वो इंक्रीज कह रहा है, तो आप डिक्रीज कर देते हैं। अगर वो डिक्रीज कहेगा तो आप इंक्रीज कर दोगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि एचसीएफ में आप पहले रिमाइंडर्स को माइनस करते हो, फिर आप एचसीएफ निकालते हो, और एलसीएम में पहले आप निकाल लेते हो, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है, अगर रिमाइंडर कह रहा है तो प्लस कर दीजिए, इंक्रीज कह रहा है तो डिक्रीज कर दीजिए, एंड सो ऑन। यूक्लिड लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर कोई नंबर फोर से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर फोर से छोटा होगा, तो या तो जीरो हो सकता है, या तो वन हो सकता है, या तो टू हो सकता है, या तो थ्री हो सकता है। अब वेरी क्विक रिविजन, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में, जैसे 468 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 17 है। पहले तो 468 के फैक्टर्स कीजिए, टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू 13, जितनी कटिंग कर सकते हैं कर लीजिए, और नहीं हो रही है। अब नीचे केवल या तो टू आना चाहिए या केवल फाइव आना चाहिए, टू और या टू और फाइव का कॉम्बिनेशन आए, टू और फाइव के अलावा कोई नंबर नीचे ना आए, 17 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टू और फाइव के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। अगर मैं आपसे कह रही हूँ 468 अपॉन 2 की पावर 4 है इंटू 5 है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में कीजिए, तब आप बड़े हो गए हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर भी मैक्सिमम बना लीजिए, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 4 बनाना है। 5 की पावर 1 है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 3, तो ऊपर भी वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमने खुद मल्टीप्लाई किया। नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 468 इंटू 125 कर लिया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 को हम एक साथ लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 1, 4 0, 468 इंटू 125 किया, 585 00 आया, जीरो काटे, 585 अपॉन 100 है, पॉइंट लगा लिया 5.85। सिंपल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नीचे 2 और 5 ऐसे दिया होगा, मैक्स 2 की पावर 4 है तो 5 की पावर 4 होनी चाहिए, अगर 5 की पावर 4 होता और यहां पे 2 होता, लेट्स सी अगेन, जैसे अगर ये होता 22 अपॉन 2 की पावर 7, सो से 2 की पावर 3 इंटू 5, तो ये 5 की पावर 2 मान लीजिए, तो ये 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो अगर इसकी पावर 3 है तो इसकी भी पावर 3 हो, कैसे 3 होगी, इंटू 5 कर दीजिए,
अब क्या करेंगे, 2 × 5³, 10³, 10³ मतलब 3 जीरो, 0 से 0 काटा, 11/100 डेसिमल लगा लीजिए, 0.11। सिंपल। क्या 6n 0 से n हो सकता है? 6^1 6 देता है, 6^2 36 देता है, 6^3 216 देता है, 6 से ही एंड होता है। अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो जब हम उसके फैक्टर्स करें, जैसे 6 के फैक्टर्स कीजिए तो 2 और 3 आता है, उस नंबर के फैक्टर्स करने में 2 और क्या आए, 5 आए। तो अगर वो नंबर 10 होगा या 10 का कोई मल्टीपल होगा तभी वो 0 से एंड होगा, अदरवाइज वो 0 से एंड नहीं हो सकता।